प्यारे दोस्तों नमस्कार। अंडकोश की नसें क्यों फूल जाती हैं, आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यहाँ आने वाले ज़्यादातर पेशेंट में अंडकोश में दर्द और सूजन की शिकायत होती है। अंडकोश फूल जाते हैं, अंडकोश की नसें फूल जाती है, अंडकोश छोटा बड़ा हो जाता है, उसे कई बार नीली नीली नसें नजर आती हैं, तो आपको वेरिकोसिल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि वेरिकोसिल क्या होता है। हमारी नसों में वाल्व होते हैं जो कि नसों में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। किसी कारण से अगर ये वाल्व खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते तो वो ब्लड वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो नसें फूल जाती हैं और नीली नीली नसें नजर आ जाती हैं। इसको वेरिकोसिल कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि वेरिकोसिल होने के कारण क्या होते हैं। अधिकतर पेशेंट में चोट लगने से या झटका लगने से वेरिकोसिल हो जाता है, जैसे कि क्रिकेट खेलते टाइम बॉल लग गई या मोटरसाइकिल चलाते टाइम झटका लग गया, जिम में हैवी एक्सरसाइज करते टाइम झटका लग गया, तो वेरिकोसिल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे अंडकोश में खिंचाव भी हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। आप कैसे पता करेंगे कि आपको वेरिकोसिल है? वेरिकोसिल को डायग्नोज करने के लिए आप अपने नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाएं और अपने स्कोटम अल्ट्रासाउंड कराएं या अंडकोश की सोनोग्राफी कराएं, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं। अगर है तो कौन से ग्रेड का है? वेरिकोसिल 6 तरह का होता है, माइल्ड से लेके 5th ग्रेड तक। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट में वेरिकोसिल आता है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वेरिकोसिल है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर आपको वेरिकोसिल है तो सबसे पहले आपको अंडकोश में झटका लगने से बचना है। इसके लिए आप लंगोट या स्पोटर पहनना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे आपको अगर वेरिकोसिल है तो आप गर्म पानी के टब में बैठकर अपने अंडकोश पे सेक करें, जिससे कि आपको कुछ आराम मिल जाएगा। तीसरा, आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी या कब्ज की शिकायत होती हो। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो मेरे नीचे दिए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।